मतलौडा स्टेडियम के पास गंदे तालाब में मिला महिला का शव। महिला का शव गली सड़ी अवस्था में मिला है। शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। खुद थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। SHO ने कहा कि महिला की अब तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी कि एक डेड बॉडी यहाँ स्टेडियम के पास गंदे पानी में पड़ी हुई है, जिसके चलते पुलिस मौके पर पहुंची और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुला गया और शव को बाहर निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के नागरिक अस्पताल में भिजवा गया है, जहां पर उसकी डेड बॉडी को 3 दिन के लिए पहचान वास्ते रखा जाएगा, ताकि डेड बॉडी की पहचान हो सके, क्योंकि अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके बारे में क्या? अभी ये सूचना मिली थी कि एक शव वहाँ मिला है गंदे जोड़ में, तो इसमें आए हैं पता कर रहे हैं महिला का शव है। वैसे लग रहा है ये 10-15 दिन पुराना है, तो आगे कोई सूचना मिलेगी तो इसके लिए हमने आस पड़ोस में भी कोई इस प्रकार की गुमशुद की लिखी हुई है या महिला के बारे में कोई जानकारी हुई एकत्रित कर रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद जैसी पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। FSL टीम वगैरह आ रही है? हाँ, FSL टीम मौके पर आ रही है अभी। जैसे शव पानी में पड़ा है, इसकी जो हालत है, इससे शिनाख्त हो पाने में बड़ी काफ़ी दिक्कत आएगी? नहीं, वो इसके बारे में साइंटिफिक उससे करेंगे, इसके शिनाख्त के पूरी वर्कस प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हमारी FSL टीम सीन ऑफ क्राइम टीम आ रही है, इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए जाएंगे, वहाँ इनका DA सुरक्षित रखा जाएगा और पहचान करने के वर्कस प्रयास किए जा रहे हैं।